नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत हम लोग परंपराओं की भी जो है चर्चा कर रहे हैं, कुछ आस्थाओं की भी चर्चा कर रहे हैं, और उसमें आज की जो श्रृंखला है वो श्रृंखला यह है कि क्या ईश्वर हैं। यह प्रश्न हमारे मन में कई बार जो है वह आता है कि क्या वास्तव में ईश्वर की मौजूदगी है। हम लोग कई जगह जो है वह देखते हैं पाप हैं, पुण्य हैं, कई जगह जो है वह बुरी आत्माओं को देखते हैं, कई जगह जो है वह लगता है ऐसा कि जो पाप कर रहा है वही सुखी है, कई जगह लग रहा है कि कोई जो गलत काम कर रहा है वही सुखी है। क्या ऐसी स्थिति में क्या वास्तव में ईश्वर है? कई बार जो है वह दिमाग में जो है वह ऐसे प्रश्न जो है वह आते हैं, और ख़ास करके वैसे व्यक्ति जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, सत्य के राह पर चल रहे हैं, ईमानदारी की राह पर चल रहे हैं, निष्ठा की राह पर चल रहे हैं, उनके मन में ऐसे प्रश्न जो है वह आते रहते हैं कि क्या वास्तव में ईश्वर हैं या नहीं है। तो देखिए क्या है, वास्तविकता यह है कि जैसे हम लोग अगर जो है वह बातों को समझने का प्रयास करें कि ईश्वर हैं कि नहीं है, इसके बारे में कि ईश्वर जो है क्या, ईश्वर शब्द जो है वही पहले कहां से आया, पहले इसको जानने का। तो ईश्वर जो है, जो शब्द है, ईश्वर शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के इस धातु से होती है। इस अब इस धातु का अर्थ जो है वह क्या है, इस धातु का जो अर्थ होता है वह है नियंत्रण करना। तो इसका मतलब है कि इसका अर्थ है नियंता, यानी ईश्वर का अर्थ क्या है, नियंता, यानी एक प्रकार का अंग्रेजी में हम लोग कहें तो कंट्रोलर, यानी ईश्वर जो है वह क्या है, तो एक कंट्रोलर है जो हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो ईश्वर जो है वह में विश्वास नहीं करते हैं और साइंटिफिक जो है टेम्परामेंट में विश्वास करते हैं, वो इसको नाम देते हैं प्रकृति का, नेचर, यानी नेचर इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। और जो ईश्वरीय आस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं वो कहते हैं गॉड इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, यानी ईश्वर सब चीज को नियंत्रित कर रहा है। और जो साइंटिफिक टेम्परामेंट में कुछ कई लोग हैं जो कहते हैं नेचर जो है वह, तो इसका मतलब है कि ईश्वर को यहां पर वास्तविकता है कि नेचर का नाम दे दिया गया। क्यों? क्योंकि ईश्वर की आस्था जो है वह सबको होती है। भारत ऐसा राष्ट्र है जहां पर ईश्वर की आस्था, और यहां अद्भुत जो है वह संयोग मिलता है देखने को कि भारत में जब हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब थे, तो एपीजे कलाम साहब जो है वह एक परमाणु संयंत्र का उद्घाटन नारियल फोड़ के कर रहे हैं। एपीजे कलाम नारियल फोड़ कर परमाणु संयंत्र का उद्घाटन, तो इससे जो है वह और ज़्यादा मैं ईश्वर के बारे में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं वह उनके बिलीव को भी जो है इससे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। अब देखिए ईश्वर को दरअसल क्या है, पारलौकिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। पारलौकिक, एक होता है इहलोक जो धरती पर है और एक पारलौक जो इस धरती से दूर है। तो ईश्वर जो है वह कैसी हैं, कैसे हैं, पारलौकिक शक्ति, और पारलौकिक शक्ति देखा जाता है, और वे संसार के जनक हैं, यानी संसार को उन्होंने ही जन्म दिया है। जो आस्था है, जो विश्वास है, वो क्या है कि ईश्वर ने ही संसार को जन्म दिया है, ईश्वर ही इसके कंट्रोलर हैं, नियंता हैं, और ईश्वर ही जो है वह संहार करता, यानी डिस्ट्रॉयर है, यानी सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, जन्म भी, कंट्रोल भी और डिस्ट्रॉयर भी। इसी बात को जो है वो वास्तव में जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वह गीता के उपदेश में ही जो है वह देकर गए हैं कि सब कुछ जो है वह उनके हाथों में है, सब कुछ उनके हाथों में है, आपके हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ उनके हाथों में है। तो यह उपदेश दिए गए, तो यही ईश्वर को पारलौकिक शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। अब अगर जो है वह देखें, ये जो पारलौकिक शक्ति है, तो ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी, सिख धर्म, इन सब में ये पारलौकिक शक्ति को निराकार माना गया है, यानी इसका कोई शेप नहीं है, हैविंग नो शेप। तो आप देखिए नेचर सब कुछ का कंट्रोलर, हिंदू धर्म के अंदर ईश्वर सब कुछ का कंट्रोलर, और अन्य धर्मों में भी जो है वह ईश्वर सब कुछ का कंट्रोलर, लेकिन वो निराकार रूप। ठीक,
लेकिन हिंदू धर्म में जो है वह क्या है, तो हिंदू धर्म में ईश्वर को साकार रूप में जो है वह स्वीकार किया गया, साकार यानी उनका कोई शेप है, और इसी को जो है वह चूंकि साकार रूप में स्वीकार किया गया, और हिंदू धर्म में बहुदेववाद की उपासना होती है, तो बहुदेववाद की उपासना होती है तो इसलिए ईश्वर के कई नाम दे दिए गए, ब्रह्मा भी ईश्वर है, विष्णु भी ईश्वर है, महेश भी ईश्वर है, माँ दुर्गा भी ईश्वर है, माँ सरस्वती भी ईश्वर है, देवी हैं, और जो है वह माँ लक्ष्मी भी ईश्वर है, यानी सब ईश्वर है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर बहुदेववाद है और जो है वह इस रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए अब ईश्वर के बारे में अगर हम यह देखें कि ईश्वर में आस्था पूरे संसार में अगर देखा जाए तो ईश्वर में आस्था रखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, यानी जिन जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, दोज हु आर नॉट बिलीविंग इन गॉड। तो भारत में अगर नास्तिकता की बात करें तो ईश्वर में विश्वास न होना इसको नास्तिकता कहते हैं, और भारत में क्या है तो 0.03% भारत में नास्तिक लोग हैं। इसका मतलब है कि आप ध्यान से समझिए कि 0.03% 1% या 0.% नहीं, 0.03%। तो इसका मतलब है ये बड़े ही अल्प हैं जो कि ईश्वर में विश्वास ना करते हैं। अब वास्तव में क्या है, ईश्वर जो है वह क्या है, एक शक्ति है। ईश्वर क्या है, एक शक्ति है, और शक्ति किस रूप में, जैसे हम जो है वह कोई कार्य करने जा रहे हैं और ईश्वर का नाम ले तो हमारी आंतरिक शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। हम कोई अच्छे काम करने जा रहे हैं, ईश्वर को याद कर लिया, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ जाती है। तो ईश्वर क्या है, एक शक्ति के रूप में भी समझे जा सकते हैं हम ईश्वर को। अब प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर को देख सकते हैं, तो सच्चाई है कि ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। चलिए अन्य धर्मों में तो वो निराकार रूप हैं तो इसलिए वो देखा ही नहीं जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में अगर साकार रूप भी हैं तो ईश्वर को किसी ने नहीं देखा। तो ईश्वर को अगर किसी ने नहीं देखा तो कैसे हम बिलीव करें कि ईश्वर हैं। तो एक्चुअल में हम कई चीज जो है वह बिलीव करते हैं जिसे हम नहीं देख पाते हैं, फिर भी हम बिलीव करते हैं, वास्तव में उसका परिणाम हम देखते हैं। वास्तव में क्या देखते हैं, उसका परिणाम देखते हैं, रिजल्टेंट देखते हैं। इसी प्रकार ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, उनके रिजल्ट को देखा जा सकता है, यानी कि उनकी उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं हमें। प्रमाण क्या मिलते हैं कि कई बार जो है वह, अब कई बार आपने देखा होगा कुछ कुछ घटनाएं जो है वह हो जाती हैं जो अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं और उसके उसका कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। 3 साल की बच्ची के ऊपर इनोवा जो है वह क्रॉस कर गया, बच्ची को कुछ नहीं हुआ। 2 मंजिल से जो है वह बच्चा गिर गया, उसको कुछ नहीं हुआ। भूकंप आया, भूकंप में जो है माँ की गोद में जो है वह बच्चा, छोटा बच्चा, और माँ की मृत्यु हो गई, बच्चा जीवित है। तो ऐसे कई अप्रत्याशित घटनाएं जो है वह मिलती हैं। साइंटिफिक जो है वह में भी मैंने कहा कि APJ कलाम साहब भी जो है वह ईश्वर में विश्वास करते थे, और वही नहीं बल्कि जब मेडिकल साइंस जो है जब फेल होने पर आता है तो हम लोग जो है वह डॉक्टर के मुख से जो है वह यही सुनते हैं कि अब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि ईश्वर को मानते हैं लोग, लेकिन उसको परिणाम के रूप में जो है वह सब कुछ हम परिणाम के रूप में देखते हैं। मेडिकल मिरेकल्स जो है वह कई जो है वह होते हुए हम लोगों ने जो है वह सुना है, पढ़ा है अखबारों में, यानी ये सब कुछ परिणाम के रूप में जो है हम लोग देखते हैं। तो आइए कैसे हम लोग जो है वह देखिए साइंटिफिक परिणाम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो है वह देखिए कि ये मेरे हाथ में एक बॉल है, बॉल जो है वह गिरा मेरे दूसरे हाथ में जो है वह दूसरी हथेली पर गिर गया, ये परिणाम है किस चीज का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का यह परिणाम है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी ने देखा तो नहीं, यहां से क्या कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह दिख रहा है, तो बहुत सिंपल है, नहीं दिख रहा है, बल्कि हमें रिजल्टेंट दिख रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की उपस्थिति का रिजल्टेंट दिख रहा है, यानी ईश्वर जो है वह दिख नहीं सकते हैं, ईश्वर के उपस्थिति का परिणाम दिखता है। इसी प्रकार जो है और भी जो है वह एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कि अभी हम लोग जो है वह यहाँ पर कई जो है वह लाइट्स जली हुई हैं, एक लाइट्स को मैं अगर जो है वह मान लीजिए कि कुछ लाइट्स को बुझा दूं तो देखिए मेरा चेहरा जो है वह डार्क हो गया, मेरा चेहरा डार्क हो गया। मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं, क्योंकि लाइट मेरे ऊपर नहीं आ रही है।
अब फिर से वास्तव में फिर से प्रकाश आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रकाश का परिणाम देख रहे हैं। यहां ऊपर से या अगल बगल से कहीं से भी कोई लाइट आ रही है, उस लाइट को किसी ने नहीं देखा, कोई लाइट आते नहीं दिखती है, लाइट का परिणाम देखते हैं। तो लाइट के परिणाम पर तो हम विश्वास करते हैं, हम जो है वह ग्रेविटेशनल पुल के परिणाम पर विश्वास करते हैं। इसके बाद यही नहीं, जैसे जो है वह देखिए, यह जो है वह साउंड वेव है, साउंड वेव जो है वह अगर माइक्रोफोन से या जो है वह स्पीकर से निकल रहा है तो हमारे कानों तक, तो किसी ने साउंड वेव को जो है वह देखा क्या, साउंड वेव दिखता है क्या एटमॉस्फेयर में, नहीं, हमने परिणाम को देखा। इसी प्रकार जो है अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव ओवन के अंदर हम कोई बर्तन रखकर और खाना को गर्म कर रहे हैं तो क्या माइक्रोवेव जो है वह दिखता है, वो वेव दिखता है, नहीं दिखता है, खाना गर्म हो गया परिणाम दिखता है। लाइट वेव, लाइट आता हुआ दिख नहीं रहा है लेकिन लाइट जो है का परिणाम हमें दिख रहा है। इसका मतलब है कि ठीक इसी प्रकार जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को हम देख नहीं सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को देख नहीं सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के परिणामों को देखते हैं, ठीक इसी प्रकार वास्तविकता यही है कि हम ईश्वर को नहीं देख सकते हैं परंतु ईश्वर की उपस्थिति के प्रमाण हमारे पास, हमारे समाज में हजारों की संख्या में मौजूद हैं जो हमारे ईश्वर की उपस्थिति में आस्था को और बढ़ाते हैं। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।